नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पटना में अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़क पर उतरे चिराग पासवान, विरोध में निकाला मौन जुलूस। पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड व सुल्तान पैलेस में बनेगा 5-स्टार होटल, कैबिनेट की मिली मंजूरी। पटना में हुई मानसून की पहली बारिश, गर्मी से मिली राहत, अन्य जिलों में भी संभावना। पटना में मिले 40 नए कोरोना पॉजिटिव, एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 149। जानिए किन जगहों पर तैनात है जांच टीम। बिहार में नए सिरे से होगी बालू की बंदोबस्ती, राज्य के सभी डीएम को मिला जिम्मा। अग्निपथ पर बवाल के बीच स्टेशन पर बज गया लालू का गाना, दंग रह गए रेल यात्री। पटना में हंगामे को लेकर कोचिंग संचालकों पर प्रशासन की नज़र, साजिश के पीछे 7 कोचिंग संस्थान। अग्निपथ के विरोध के बीच सेना प्रमुख ने युवाओं से अग्निवीर के रूप में सेना में शामिल होने की आग्रह की। अग्निपथ योजना के विरोध में शनिवार को बिहार बंद का ऐलान किया गया था, जिसका कई राजनीतिक दलों ने समर्थन भी किया। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी इस बंद का समर्थन किया। इसी को लेकर चिराग पासवान अपने कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन तक मार्च के लिए निकले। जमुई के सांसद चिराग पासवान अपने एसकेपुरी स्थित आवास से कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें और उनके समर्थकों को हड़ताली मोड़ के पास रोक दिया। इस कारण से वहां पुलिस एवं लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी हो गई, जिसके बाद चिराग पासवान अपने अन्य 5 कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन गए, जहां उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। चिराग पासवान ने अपने ज्ञापन में अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। चिराग पासवान ने मार्च करने से पहले अपने नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से कहा था कि कोई भी कार्यकर्ता किसी भी प्रकार का हंगामा नहीं करेंगे, मौन जुलूस निकाला जाएगा और किसी तरह की कोई नारेबाजी नहीं की जाएगी, जिसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने मुंह पर काली पट्टी बांधकर राजभवन तक मार्च किया। बिहार में देश विदेश से पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए शुक्रवार को कैबिनेट में पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर एवं सुल्तान पैलेस की भूमि पर 45 वर्ष की लीज पर 5-सितारा होटल के निर्माण व संचालन करने की स्वीकृति कैबिनेट से मिल गई है। यह निर्माण कार्य PPP मोड में अगले 3 साल में पूरा हो जाएगा। तीनों होटल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसके निर्माण में 800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इन तीनों होटल को मिलाकर 1075 कमरे होंगे, जहां पर्यटकों को हर सुविधाएं मिलेंगी। जल्द ही विभाग इस संबंध में निजी क्षेत्र में निर्माण के लिए आवेदन दिया जाएगा, ताकि यहां बड़ी बड़ी कंपनियां निर्माण कार्य में आए। कैबिनेट की मंजूरी के बाद पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। इस मौके पर विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल भी मौजूद रहे। पटना में तेज हवाओं के साथ मानसून की पहली बारिश हुई, जिससे यहां के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पटना में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिस कारण से बिहार में मानसून के आने के बाद से लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, जो कि शनिवार की बारिश के बाद खत्म हो गया। बिहार के इलाकों में बारिश हो रही थी, लेकिन पटना में गर्मी का असर बना हुआ था। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद शनिवार को अचानक ही मौसम बदल गया। तेज धूप और गर्मी के बीच अचानक तेज और ठंडी हवाएं चलने लगी और जगह जगह हुई बारिश एवं बूंदाबूंदी ने भीषण गर्मी से लोगों को राहत दिलाई। मौसम विभाग के अनुसार पटना में तेज हवा के साथ बारिश होने की आशंका थी, इसके साथ ही वज्रपात होने की संभावना भी जताई गई थी। अब आगे भी पटना में ऐसे ही मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। बिहार में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 72 नए संक्रमित पाए गए हैं। ये संक्रमित राज्य के 18 जिलों में पाए गए हैं। पटना जिले में सर्वाधिक 40 नए संक्रमित पाए गए हैं। फरवरी के बाद पटना जिले में 24 घंटे में मिले कोरोना पॉजिटिव की यह सर्वाधिक संख्या है। इनमें 18 पुरुष और 12 महिलाएं हैं। वहीं जिले में 9 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही जिले में सक्रिय मरीज की संख्या 149 हो गई है। कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप कंकड़बाग और दानापुर इलाके में है। इन दोनों इलाकों में 5-5 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद राजीव नगर, शास्त्री नगर व महेंद्रू से 7 और मनेड़, बाढ़ व पालीगंज में कुल 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें 2 को छोड़कर सभी मरीज होम आइसोलेशन में है। सिर्फ पटना एम्स अस्पताल में 2 मरीजों का इलाज कोविड वार्ड में चल रहा है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें बिहार बालू खनन नीति 2019 में संशोधन और नई बिहार स्टार्टअप नीति 2022 को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर एवं सुल्तान पैलेस की भूमि पर 45 वर्ष की लीज पर 5 सितारा होटल के निर्माण व संचालन करने की स्वीकृति कैबिनेट से मिल गई है। बालू खनन नीति 2019 में संशोधन के तहत बालू घाटों की बंदोबस्ती अब जिलाधिकारी के स्तर पर होगी। 5 साल तक बंदोबस्ती होगी। बंदोबस्त लेने वाले ठेकेदारों को पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी होगी। साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर चिन्हित बालू घाटों की 5 सालों के लिए बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य की नई बालू खनन नीति की स्वीकृति के बाद बालू घाटों की बंदोबस्ती के शुल्क में 50% की वृद्धि की गई है। अब बालू घाटों की बंदोबस्ती 5 सालों के लिए जिलाधिकारी द्वारा ई नीलामी सटेंडर के माध्यम से होगी। बिहार समेत देश के कई राज्यों में चौथे दिन भी छात्रों का उपद्रव जारी रहा। शनिवार को विभिन्न छात्र संगठनों ने बिहार बंद बुलाया था। इस दौरान बिहार के अलग अलग जिलों के उपद्रव की खबरें सामने आती रही। सिवान में भी अग्निपथ स्कीम को लेकर सैकड़ों छात्र सड़क पर उतरकर योजना का विरोध जता रहे थे। इसी बीच सिवान जंक्शन पर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी रेल यात्री हैरत में पड़ गए। अमूमन जिस लाउड स्पीकर के माध्यम से यात्रियों को ट्रेनों की गतिविधि की जानकारी दी जाती है, उस पर भोजपुरी गाना बजने लगा। गाना भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि कुछ खास था। दरअसल छात्रों के उपद्रव के बीच सिवान स्टेशन पर रेल यात्री प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। लाउडस्पीकर के माध्यम से स्टेशन पर शांति बनाए रखने की अपील की जा रही थी। इसी बीच अचानक ट्रेनों की जानकारी दिए जाने वाले लाउडस्पीकर पर भोजपुरी गाना बजने लगा। लाउडस्पीकर पर बज रहे लालू बिना चालू ई बिहार ना होई गाना सुनकर रेल यात्री चौंक गए। इसी दौरान वहां मौजूद किसी शख्स ने वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। हालांकि बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज इस वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। मोदी सरकार के अग्निपथ योजना को लेकर शुक्रवार को पटना में जो हंगामा हुआ उस पर प्रशासन दोषियों की पहचान करने में जुट गया है। पटना जिला प्रशासन ने शुक्रवार को हुए हंगामे को लेकर 86 लोगों को गिरफ्तार किया है और बड़ी बात यह है कि हंगामे के पीछे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ जांच जारी है। दानापुर में हुए हंगामे के बाद प्रशासन एक्शन में आया था और पटना के डीएम ने आज एसएसपी के साथ खुद मोर्चा संभाल रखा था। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि हिंसक प्रदर्शन के मामले में पटना में अब तक दोषियों की पहचान कर 86 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है और अगर जरूरत पड़ी तो इंटरनेट सेवाएं भी पटना में बंद की जा सकती है। एसएसपी ने कहा कि हालात के हिसाब से आगे फैसला लिया जाएगा, लेकिन दानापुर और पटना में जो हंगामा शुक्रवार को हुआ उस मामले में कई कोचिंग संस्थानों की भूमिका संदिग्ध दिख रही है। ऐसे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ जांच जारी है। पटना के डीएम और एसएसपी सभी संवेदनशील इलाकों का जायजा कर रहे हैं। लगातार सड़क पर उनकी तरफ से पेट्रोलिंग की जा रही है। पटना के डाक बंगला चौराहा समेत अशोक राजपथ और बाजार समिति इलाके में भी डीएम और एसएसपी ने निरीक्षण किया है। तीनों सेवाओं में सैनिकों के नामांकन के नए मॉडल के व्यापक विरोध के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने 2022 के लिए अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने शुक्रवार को कहा है कि 2022 के लिए अग्निपथ योजना के तहत ऊपरी आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष करने का सरकार का निर्णय उन युवाओं को अवसर प्रदान करेगा जो बल में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे लेकिन भर्ती नहीं हो सके। जनरल पांडे ने कहा कि सेना को एकमुश्त छूट देने का सरकार का फैसला मिल गया है और भर्ती प्रक्रिया की घोषणा जल्द की जाएगी। थल सेनाध्यक्ष ने युवाओं से अग्निवीर के रूप में सेना में शामिल होने के लिए अवसर का लाभ उठाने का भी आह्वान किया है। सेना प्रमुख ने एक बयान में कहा कि सरकार का फैसला 2022 के भर्ती चक्र के लिए भर्ती के प्रवेश आयु को बढ़ाकर 23 साल करने के लिए एकमुश्त छूट देने का निर्णय प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय हमारे कई युवा ऊर्जावान और देशभक्त युवाओं के लिए एक अवसर प्रदान करेगा जो कोविड-19 महामारी के बावजूद भर्ती रैलियों में शामिल नहीं हो पाए। बिहार के नियोजित शिक्षकों को एक बार फिर से झटका लगा है। सरकार की तरफ से तबादलों को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किया गया है उसके बाद नियोजित शिक्षक के थोड़े निराश हो सकते हैं। लंबे अरसे से जिला से बाहर तबादला का इंतजार कर रहे स्कूली शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को अभी और इंतजार करना होगा। इनका जिलों से बाहर अभी तबादला नहीं होगा। जिलों से बाहर तबादला के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से अभी वेब पोर्टल तैयार कराया जा रहा है। फिलहाल जिस नियोजन इकाई में शिक्षक कार्यरत है उसी नियोजन इकाई के अंदर के
स्कूल में इसी जून महीने में तबादला हो सकता है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने बुधवार को सभी जिलों के डीईओ को लेटर भेजा है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि दिव्यांग शिक्षक, महिला शिक्षिका और अपने या दूसरे जिलों के नियोजन इकाई में उपलब्ध रिक्त पद पर एक बार इच्छा अनुसार तबादला की सुविधा होगी। साथ ही पुरुष शिक्षकों या पुस्तकालाध्यक्षों को दूसरे जिले में पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा देने का प्रावधान है। कोरोना ने बिहार में एक बार फिर अपने पांव फैला दिए हैं। राजधानी पटना में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या नहीं बढ़ रही है, लेकिन होम आइसोलेशन में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। बीते 10 दिनों के अंदर कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या करीब दोगुनी हो गई है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के कोरोना पोर्टल के मुताबिक मंगलवार तक जिले में कोरोना के 90 एक्टिव मरीज हैं। इनमें से 88 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि एक मरीज पीएमसीएच व दूसरा पटना अस्पताल में भर्ती है। हालांकि दोनों ही अस्पतालों के डॉक्टरों का कहना है कि जो मरीज भर्ती हैं वे अस्पताल में दूसरी बीमारी के इलाज के लिए आए थे, लेकिन जांच कराने पर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं वर्तमान पॉजिटिव मरीजों में सबसे अधिक 19 मरीज शहर के कंकड़बाग के हैं, बाकी मरीज शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों के निवासी हैं। राज्य में 24 घंटे के अंदर कुल 26 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें सबसे अधिक 17 नए संक्रमित सिर्फ पटना जिले के हैं। गोला रोड में एक ही परिवार के 3 सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। 24 घंटे में 7 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। गया व मधेपुरा में 2-2 और खगड़िया, सहरसा, समस्तीपुर, सारण और पश्चिमी चंपारण में 1-1 नया संक्रमित मिला है। इसके साथ ही राज्य में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 130 हो गई है। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।